तो भाई और बहनों, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं मॉब एक्सपी फार्म, जिससे हमें बहुत सारी मॉब लूट मिलेगी, जैसे कि बोन, गन पाउडर वगैरह, और एक्सपी भी मिलेगी, जिससे हमें कोई एन्चांटमेंट लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं, और अपने टूल्स में जिनमें मैंने मेंडिंग लगाई हो उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधा उस लोकेशन पर जहाँ पर आज ये मॉब एक्सपी फार्म बनने वाला है। ये रही हमारी चेस्ट, जिसके अंदर अपना सामान सारा रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर अपना मॉब एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी अच्छी है। ये रहा सारा मॉब एक्सपी फार्म बनाने का सारा सामान। तो ये जो मैंने जगह खोदी है, यहाँ पर आएगी दो चेस्ट, मतलब इधर पहले एक चेस्ट लगा लेता हूँ मैं, रुको, ये जगह, अब ये यहाँ पर एक चेस्ट, अरे उधर नहीं लगानी थी, डबल जंप हो गया वो। ओके, इसको तोड़ो। हाँ, अब इस चेस्ट के ऊपर दो हॉपर्स आएंगे, ये पहला हॉपर, ये दूसरा हॉपर, और इन दो हॉपर्स को जोड़ के एक और हॉपर आएंगे ऐसे। ये देखो, ये मैंने हॉपर जोड़ दिए। अब जो है ये एक कलेक्टिंग सिस्टम हो गया अपने मॉब एक्सपी फार्म का। अब ये थोड़ा और खोदो। ओके, मैं ज़रा साइड में खोद देता हूँ, ताकि मैं चेस्ट को जो है लगा सकूँ और हॉपर्स भी लगा सकूँ। तो यहाँ पर ये एक और डबल चेस्ट, और इस डबल चेस्ट से दूसरा हॉपर्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो हो गया। अब ये जो बच्ची कुची आ रही है, रुको सॉरी, ये जो बच्ची कुची जगह है इसको वापस से भर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ से अपनी चेस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं जो हॉपर में चीज़ डालूंगा वो सारे के सारे आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगे। देखा, अब जो है बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो पहले ये दो कॉबलस्टोन, अब इसके इस साइड में भी कॉबलस्टोन, और यहाँ पर भी कॉबलस्टोन पीछे की साइड पे भी आएंगे। ओके, मैंने फ़िलहाल तो बेस अपने मॉब एक्सपी फार्म का बना लिया है, और ये ज़रा तोड़ देते हैं ताकि मैं चेस्ट को अच्छे से एक्सेस कर सकूँ। एक ब्लॉक ज़्यादा टूट गया। ओके, अब मैं यहाँ से अपने सारी चेस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे इन हॉपर्स के ऊपर लगाने हैं स्टोन स्लैब्स। ये लगा एक स्लैब, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब जो है मुझे पूरे कॉबल स्टोन की लाइन ऐसे लगाते जानी है, जो मैंने बीच में नीचे लगाया ना वैसे ही। अभी एक लाइन हो गई, मुझे कुल 22 होती है, ये एक लाइन हो चुकी है। अब कुल 21 ब्लॉक मुझे ऊपर जाना है। ओके, मैंने थोड़ी गलत लगा दिया, अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। अब जो है यहाँ पर ऊपर एक ब्लॉक आएगा, ये कुछ इस तरीके से, मतलब दो ही ब्लॉक्स आएंगे, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक किसी काम का नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं, ऊपर काम आएगा ये अपने। अब यहाँ पर हो जाएगा ये किलिंग सिस्टम, किलिंग चैम्बर। अब जो है मैं यहाँ पर ऊपर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल ऊपर चढ़ के ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ओके, अब मैं ऊपर आ तो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से जो है 7 ब्लॉक्स आगे जाना है चारों साइड से। पहले इस साइड से जाते हैं 7 ब्लॉक्स आगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां ब्लॉक इसलिए लगा है ताकि मैं ऊपर एक और ब्लॉक लगा सकूँ। ऐसे ही हर जगह पे 8-8 ब्लॉक लगाने, रुको, ये 7वां ब्लॉक, हाँ यहाँ तक ठीक है। देखा, ये 7 ब्लॉक, अब ऐसे ही मुझे तीनों साइड पे करना है 7 ब्लॉक। ओके, अब जो है यहाँ पर 2 ब्लॉक्स ऊंची दीवार आएगी। पहले एक ब्लॉक की दीवार हर जगह बना लेता हूँ मैं, मतलब ये जो मैंने दो दो ब्लॉक्स साइड में 7 ब्लॉक्स खींचे हैं, तो उनके साइड में ये 2 ब्लॉक्स ऊंची दीवार आएगी। एक ब्लॉक ऊंची हो गई, अरे जल्दी से आराम से चलना पड़ेगा, वरना मॉब की जगह मैं मारा जाऊंगा। गेम अभी भी फिलहाल पीसफुल में, वरना क्या बोलते हो, फैंटम भी आके दिमाग ख़राब करेंगे, ये मॉब इधर स्पॉन हो के मुझे मारेंगे। इसलिए मॉब एक्सपी फार्म बनाते टाइम पीसफुल में गेम हो तो ठीक है, तभी ठीक है। डर्ट लगा देते टेम्परेरी हर जगह पे, स्टोन वेस्ट नहीं करते, इसको तोड़ दो। ओके, अभी हर जगह पे ऐसे दो दो ब्लॉक्स ऊंची दीवार मैं बना लेता हूँ पहले। तो लो भैया, दो दो ब्लॉक्स ऊंची दीवार हो चुकी है। अरे मैं गलती से नीचे गिर गया, मुझे नीचे नहीं गिरना था, सॉरी। ऊपर चढ़ते सबसे पहले तो अब जो है मुझे यहाँ पर पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा इन ब्लॉक से जोड़ के, पहले ऊपर तो चढ़ लूँ। अरे ए भाई, मेरे को ऊपर चढ़ना है, पानी धकेल रहा है भाई ये। हाँ ओके, अब ठीक है,
हाँ, अब मुझे जो है इन ब्लॉक्स से आगे होते हुए, वैसे मैं ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, अब मुझे जो है इन ब्लॉक्स से होते हुए सारी की सारी लाइंस मुझे कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इधर से ये देखो, ऐसे ऐसे पूरा एक मुझे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर ब्लॉक नहीं लगाने हैं, वो तोड़ दूंगा मैं बाद में। फिलहाल ये पूरा प्लेटफॉर्म बना के कंप्लीट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये गलत लग गया, उसको तोड़ो। अभी इसको यहाँ पर लगाओ और अपने इन्वेंटरी में ब्लॉक्स ख़त्म। मुझे लगा था कि ये स्टोन मतलब ये कॉबल स्टोन काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं। अब नीचे जाने का सिर्फ एक तरीका, जो है वाटर एमएलजी। अगर वाटर एमएलजी सक्सेसफुल हुई तो तुमको लाइक करना पड़ेगा। चलो कर दो लाइक, वाटर एमएलजी अपनी सक्सेसफुल हो गई। इतनी 22 से 23 ब्लॉक नीचे कूद के। अब ये कूदम कादी नहीं करते, स्काफ होल्डिंग लेके आया हूँ, उसका फोल्डिंग का यूज करते हैं। फिलहाल सही जगह पे मेरे को माप के लगाना पड़ेगा। पहले ये स्काफ होल्डिंग लगा के ऊपर चढ़ लेता हूँ मैं। ओके, अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब बचा कुचा प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब जो है ट्रैप डोर्स लगा देता हूँ, ताकि मॉब्स को ये लगेगा कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है, और ये समझ के वो चलते चलते सीधा नीचे गिर जाएंगे। अभी नीचे पानी डालना बाकी है, लेकिन सबसे पहले ट्रैप डोर्स लगा लेता हूँ मैं। ओके, तो हर जगह पे सारे ट्रैप डोर्स मैंने लगा दिए हैं। अब जो है इसका एक और प्लेटफॉर्म मैं ऊपर बनाऊंगा, ताकि थोड़ी ज़्यादा मेरे को मॉब लूट और एक्सपी मिल सके। अब ज़्यादा स्टोन तो नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक स्टेप और ऊपर तो कर ही सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर 3 ब्लॉक्स लंबी ये दीवार खींच देते हैं। अभी जो जैसे मैंने नीचे प्लेटफॉर्म बनाया था, बिल्कुल कुछ वैसा ही प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ताकि वो सारे के सारे जो मैंने एक्स्ट्रा एक खड्डा जो ऐसे एक्स्ट्रा जो हिस्सा बना के रखा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो होल बना के रखा है, उस होल में जाके गिर जाए सभी के सभी मॉब्स। इसलिए वापस से ऊपर प्लेटफॉर्म मुझे और बनाना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से। अब ये जो है मैं यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही चार जो इधर प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, वैसे ही मेरे को 4 प्लेटफॉर्म बनाने। ओके, तो 4 प्लेटफॉर्म तो मेरे बन के हो चुके हैं। अब मुझे रूफ बनानी बाकी है, क्योंकि ज़्यादा स्टोन नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही है के ये रखे हुए हैं। सबसे पहले रूफ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब ऐसे ही ऊपर चढ़ चढ़ के लगाते हैं। अरे यही गलत लग गया, कोई इसको तोड़ो। हाँ भाई और बहनों, मैं तो एक चीज करना ही भूल गया, यहाँ पे पानी कौन डालेगा? अबे पानी नहीं डालूंगा तो सारे मॉब्स इधर ही भटकते रह जाएंगे। मैं इधर से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, अब मैं नीचे, मेरे को नीचे कूद के पानी लगाना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, ये हर जगह पे पानी लगाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। ऊपर पानी डालूंगा तो ये लो अटक गया पानी। मैं जो है पानी एच पे डालूंगा, ताकि पानी यहाँ से सीधा मेरे होल की तरफ जाए। पानी की क्या बोलते हैं, वो लिमिट सिर्फ 7 ब्लॉक्स की होती है, तो उस वजह से मैं गिर गया। भगवान, मैं रुको, कूदना था, कूदने की जगह मैं ये क्या कर रहा हूँ। रुको, फिर से ये ब्लॉक तोड़ो। अबे यार, हर जगह पहले मेरे को ये पानी लगाना पड़ेगा, उसके लिए इतनी ज़्यादा कूदम कादी। ये एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाने से पहले कर देते तो ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन कोई नहीं। अब सबसे पहले हर जगह पे पानी लगा लेता हूँ मैं। अब इस पानी से क्या होगा, जो भी मॉब यहाँ पर पानी में जो ट्रैप डोर्स लगा है उसके झमेले में आके गिर जाएगा। वो पानी से बहते हुआ सीधा जो मैंने नीचे इतना बड़ा लंबा किलिंग चैम्बर बना के रखा है ना, होल, उस होल में जाके गिरेगा, और उसके नीचे खड़ा रहूँगा मैं इनको मारने के लिए। अब इनको फॉल डैमेज पड़ा हुआ होगा तो ये सारे के सारे मॉब्स मेरे सिर्फ एक स्वॉर्ड के फटके से मर जाएंगे, तो जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी और मॉब्स मुझे देख भी नहीं पाएंगे, जिस वजह से मुझे भी कोई डैमेज नहीं पड़ने वाला। अबे मेरे को धू धू नहीं लगाने थे, सॉरी, इसको ज़रा खोलो। सॉरी, ये तो गलत लग गया। गलत लग गया भगवान। ए भाई, बार बार ये भगवान को क्यों याद कर रहा हूँ, कोई बताए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वीडियो पे ध्यान देते हैं। ओके, ये ट्रैप डोर को ज़रा साइड से अच्छे से लगा लेता हूँ मैं, खोल दो इसको। ओके ठीक है, अब इसको भी तोड़ के, इसको भी तोड़ो, ज़रा संभाल के, वरना एक साथ साथ दो दो टूट सकते हैं।
ओके, तो पानी मैंने लगा दिया है, अब यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा मैं? अभी भैया पानी लगा के नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वेट अ सेकेंड, मैं अगर पानी लगाऊंगा तो वो पानी जाएगा कैसे? अबे उनको डैमेज देना है, उनको बचाना नहीं है। अरे पानी उठाओ, पानी उठा। अबे अरे सत्यानाश, मेरे को ट्रैप डोर नहीं खोलनी है, ट्रैप डोर खुल रहे भाई। अबे पानी मेरे को कलेक्ट करने, कलेक्ट हो गया। फिलहाल यहाँ से नीचे चलते हैं, वापस से ऊपर आके मेरे को ये ट्रैप डोर खोलने पड़ेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर पानी लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैंने वो ट्रैप डोर जो खोले थे उनको वापस से, सॉरी बंद किए थे उनको वापस से खोल दिया। मेरे को समझ में नहीं आता वो ट्रैप डोर खुलते हैं या बंद होते हैं भाई, लेकिन कोई नहीं, जैसे मेरे को करने थे वैसे मैंने कर दिए, मतलब खोल ही दिए होंगे शायद से, वो ट्रैप डोर मैंने खोल के रख दिए हैं। ओके, अब ये पूरी रूफ कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो भाई और बहनों, मुझे स्टोन की कमी पड़ गई थी, तो मुझे अपने एफिशिएंसी की पिकेक्स की हेल्थ की ऐसी की तैसी करके मुझे ये लगाना पड़ गया, स्टोन तोड़ने पड़ गए कॉबल स्टोन। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लैंटर्न इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मॉब्स मेरे मॉब फार्म के अंदर स्पॉन हो, बाहर नहीं, वरना ऊपर छत पे स्पॉन हो के मुझे मेरे ऊपर सीधा कूद पड़ेंगे सब के सब। इसलिए छत पर हर जगह पर मुझे लाइटिंग करनी है, लाइट करनी है हर जगह पर लाइट। अरे गलती से दो बार क्लिक क्यों हो जाता है, ये क्या है भाई? ये तो भाई पॉकेट एडिशन में भी हरकतें हो, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, बीटा में भी हरकतें चलती हैं और इसके अंदर भी हरकतें चल रही हैं। आप सत्यानाश, ये ब्लॉक टूट गया, ये एफिशिएंसी 5 की पिकेक्स कभी कभार दिमाग खराब कर देती है। सीधी सा नॉर्मल पिकेक्स निकालो यार, टूट जा। हाँ, ये कभी कभार थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, और लाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अंधेरा ना हो और मॉब्स जो है मेरे मॉब फार्म के अंदर स्पॉन हो, ना कि बाहर। मैं फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैंने नीचे भी ट्रैप डोर्स लगा के रखे ताकि मॉब्स जो है स्पॉन हो के स्पॉन हो लेकिन मुझे देख ना सके, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रैप डोर्स लगा दिए। और अभी मैंने गेम को फिलहाल हार्ड मोड पर सेट करके रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई मेरे को पहले दिन कर लेना चाहिए। Hello there. Run. ओके, स्काफ फोल्डिंग का काम हो चुका है, इसको तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी किसी बिल्ड में काम आएगी। अरे कलेक्ट हो जा। हाँ ओके, फिलहाल मैंने गेम को हार्ड मोड पे सेट करके रखा है और हर जगह पे लैंटर्न्स लगा के रखे हैं ताकि मॉब स्पॉन हो, सॉरी मॉब्स बाहर का स्पॉन हो, एक्सपी फार्म में स्पॉन हो। ये देखो ये स्पॉन हो गए लेकिन मेरे को देख नहीं सकते ये लोग। अब ये मेंडिंग से मैं अपने सबसे पहले पिकेक्स को ये करूँगा। भाई ये कितने सारे स्पॉन हो रहे हैं अभी हार्ड मोड में, इसलिए थे क्या? थोड़ी देर वेट करते हैं। 5 minutes later. तो 5 मिनट के बाद कुछ इतने सारे मॉब स्पॉन हो गए भाई, कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। एक एक करके मारो, एक एक करके संभाल के इतने सारे क्रीपर स्पॉन हो गए। और ये देखो मेरे को एक्सपी मिल रही है, तो उससे जो है मेरी पिकेक्स ये हो रही है, हील हो रही है। मारो 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 मारो। ओके, ये स्पाइडर का क्या सीन है, मर जा। अरे एक शॉट में नहीं मरी, लगता है वो धीरे धीरे चल के आई होगी। वो 5 मिनट में जो है मुझे इतनी सारी मॉब लूट देखने को मिल गई। मैंने थोड़ी और देर वेट करा तो ये देखो कितने सारे मॉब स्पॉन हो गए, वो मॉब के एक्सपी फार्म को फाड़ कर अभी बाहर निकलेंगे ऐसा लग रहा है। बेचारों को 1 इंच भी जगह नहीं। चलो इन सबको मार के आज़ाद किया जाए, मेरे को इससे बहुत सारा गन पाउडर और बोन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की मॉब एक्सपी फार्म की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। फिलहाल घर के अंदर चल जाते हैं वरना ये मॉब्स आके मेरे को मार देंगे।